तो भाई लोग ये नेट मार्बल वाले हमें धोखा दे रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये लोगों ने बोला है कि भाई हमने हिट डाल दिया है इसके 5 स्किल में, इसके 4 स्किल में और इसके टियर 4 स्किल में। अगर आप देखोगे, मतलब ऐसा आंखों से देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हिट तो हो रहा है, क्योंकि पहले जब हम 5 स्किल यूज करते थे तो ओडिन के सराउंडिंग में कोई भी हिट नहीं आता था, वो लाइटिंग नहीं आता था। जब तक कि जायंट ओडिन नहीं निकल जाता था तब तक एक भी हिट काउंट नहीं होता था यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हिट काउंट। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी जैसे ही आप 5 स्किल यूज कर रहे हो तुरंत हिट चालू हो जा रहा है, और 5 स्किल 4 स्किल में भी इन्होंने हिट बढ़ा दिया है, बोल रहे हैं कि हिट डाल दिया हमने, और 6 स्किल में भी, 7 स्किल में भी इन्होंने हिट डाल दिया। तो हाँ सही बात है, इन्होंने हिट डाला है, बट हिट डालने का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ओडिन को बफ किया है, बल्कि इन्होंने ओडिन को नर्फ कर दिया है। यस गाइज, इन्होंने ओडिन का डैमेज और कम कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कैसे इन्होंने नर्फ किया है ओडिन को। लेकिन पहले आपको मैं गेम प्ले दिखाना चाहता हूँ। चलो मैं आपको एबीएल में परफॉर्मेंस इसका दिखा देता हूँ, और जीबीआर में भी मैं दिखाऊंगा। और मैंने पहले ही एक वीडियो डाल दिया था ओडिन का, जीबीआर एंड एबीएल का, तो आप चाहो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो, पूरा का पूरा आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको वीडियो पूरा नहीं देखना है तो टेंशन मत लो, जैसे ही अभी एबीएल का परफॉर्मेंस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा, मतलब जैसे ही एबीएल का स्कोर हमारे सामने आएगा, मैं फटाक से स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा कि भाई पहले कितना हो रहा था और अभी कितना हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे हम खेल रहे हैं ओडिन से, और एकदम से जैसे मैंने वहाँ पे खेला था, जो टीम मैंने उस बिल्ड वीडियो में लगाया था, सेम टू सेम वही टीम में लगा के खेल रहा हूँ। बेटर एबिल को लीडरशिप में लगाया है, सिल्वर सर्फर को ऐसे ही लगा लिया है, बाकी ओडिन यही तीनों कैरेक्टर थे जब मैंने पहले बनाया था वीडियो, बिफोर बफ बोलूँ या फिर नर्फ बोलूँ, ठीक है। तो बिफोर वाले वीडियो में सेम यही टीम था, और इस बार मैं आपको फुल गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। नहीं तो आपको लगेगा कि भाई ये जानबूझ के हमें इसका परफॉर्मेंस कम करके दिखा रहा है, नहीं, मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखाया था आपको 40-40 सेकेंड का, बट इसमें मैं आपको फुल क्लिप दिखा रहा हूँ, फुल गेम प्ले दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे, कोई ऐसा कमेंट में ना आके बोले कि भाई तूने जानबूझ के इसका परफॉर्मेंस कम करके दिखाया हमें। तो भाई देख लो तुम्हारे सामने है, सब कुछ एकदम से बराबर चल रहा है, जो रोटेशन यूज करना चाहिए वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और जिस हिसाब से मैं खेलता हूँ उस हिसाब से मैं एबीएल खेल रहा हूँ। और पिछली बार मेरा जितना स्कोर हुआ था, अभी देखते हैं उतना स्कोर होता है या नहीं होता है, या फिर उससे कितना कम होता है। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पे हम देख लेते हैं ओडिन का ये माइट आने वाला है। ओके, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, नाइस। एंड देखो यहाँ पे मैं एकदम से टियर 4 टियर 3, उसके बाद में 5 3 4, पूरा का पूरा प्रॉपर रोटेशन के साथ खेल रहा हूँ, उसके बाद 1 2 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये सच में बता रहा हूँ भाई, मार्बल वाले ना, अभी देखो ओडिन लेने लायक नहीं है, अभी बिल्कुल ही ओडिन लेने लायक नहीं है। प्रूफ देखना है तो पूरा वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बट अगर प्रूफ नहीं देखना है, आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हो, तो चलो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि क्यों ओडिन लेने लायक नहीं है। पहली बात तो ओडिन बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब अगर आपके पास ओडिन कैरेक्टर नहीं है तो भाई फिर तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ठीक है, ओडिन को क्रिस्टल से लेना पड़ेगा। और अगर कैरेक्टर है फिर भी 1500 यूनिफॉर्म का लगेगा, 1500 क्रिस्टल आपको यूनिफॉर्म के लिए देना पड़ेगा, और नेटिव टियर 2 कैरेक्टर है तो बहुत ज़्यादा गोल्ड, बहुत ज़्यादा मटेरियल, बहुत ज़्यादा टियर 4 मटेरियल, मतलब सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा लगने वाला है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगने वाला है। और इसका परफॉर्मेंस कुछ इस हिसाब से हो गया है कि थॉर लगभग इतना ही कर देता है, मतलब थॉर के जैसा ही हो गया भाई परफॉर्मेंस। पहले तो चलो ठीक था, पहले थोड़ा सा ज़्यादा करता था, थोड़ा सा स्कोर भी ज़्यादा था, और थोड़ा पहले फास्ट क्लियर करता था थॉर से जीवीआर में, बट अभी भाई अभी तो एकदम से बराबर ही हो गया यार, मतलब जितना स्कोर थॉर कर लेता है टियर 4 पे लगभग उतना यही कर रहा है, और जितना टाइम थॉर ले रहा है जीवीआर क्लियर करने में उतना ही टाइम ये भी ले रहा है। तो क्या मतलब है भाई ओडिन बिल्ड करके, क्या ही मतलब है ओडिन बिल्ड करके। और मैं आपको अभी दिखाऊंगा पूरा प्रूफ के साथ में कि कैसे इन्होंने, कौन से तरीके से इन्होंने इसको नर्फ किया है, बहुत ही मतलब एकदम से, मतलब ऐसा इन्होंने खेल करा है ना कि आप समझ नहीं पाओगे, आप बस आपको देखने में लगेगा कि भाई हिट बढ़ा दिया, हिट बढ़ा दिया, हिट बढ़ा दिया, बट एक जगह ऐसा है जहाँ ऐसा इतू सा छोटे अक्षरों में लिख दिया इन्होंने, ये इतना था ये इतना हो गया मतलब एकदम से खेल कर दिया भाई एकदम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4.91 मिलियन का स्कोर हुआ है, जबकि हमारा पहले कितना स्कोर हुआ था 5.1 मिलियन का, भाई साहब 5.1 मिलियन का स्कोर किया था ओडिन ने सेम इसी टीम के साथ में, देख सकते हो आप, और अभी 4.9 मिलियन, बताओ नर्फ हुआ ना। अभी इतना ही नहीं, अभी रुको मैं आपको जीबीआर भी दिखा देता हूँ, रुको अभी मैं आपको जीबीआर दिखा देता हूँ, और फिर स्क्रीनशॉट भी देता हूँ मैं आपको, जीबीआर पहले कितना फास्ट क्लियर किया था और अभी कितना कर रहा है।
ठीक है, यहाँ पे भी मैं फिर से आपको पूरा का पूरा गेम प्ले दिखाने वाला हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये चीटिंग कर रहा है। तो हम चीटिंग नहीं करते, वैसे भी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है उनको मुझ पर भरोसा है। मैं जो भी बोलता हूँ टेस्ट करके प्रॉपर देख समझ के उसके बाद में ही आपको बताता हूँ। बट कोई नहीं, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए तो थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर भरोसा बनाना पड़ेगा ना पहले। तो देख लो गाइस, यहाँ पे ये हम कर रहे हैं टीयर थ्री टीयर फोर, एंड इसके बाद में ये अपना रोटेशन, एंड ये हुआ डैमेज। नाइस, चलो ठीक है। यस यस यस, रुको जरा सबर करो, अभी इसका टाइम देखना। और गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखो मैंने ना यहाँ पे वेलकरी एंड टास्क मास्टर यूज किया है, जबकि पिछले वाले मैच में मैंने सूरी एंड बेटर रेबिल यूज किया था। बट अभी क्या है ना कि सूरी और बेटर रेबिल को मैंने थॉर के साथ में यूज कर लिया, तो थोड़ा सा ऐसा लोचा हो गया, मैं फिर से वापस यूज नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वेलकरी एंड टास्क मास्टर लिया है। अब देखो सूरी का यहाँ पे वेलकरी के साथ में ऐसा हो जाएगा 55% डैमेज इंक्रीज, 55% डैमेज इंक्रीज दोनों का मिलता है, ठीक है, सपोर्ट बफ, तो ये तो दोनों बराबर हो गया लगभग लगभग, हाँ मतलब इग्नोर डॉज मिलता है। और यहाँ पे मैंने बेटर एबिल सॉरी इसके जगह पे, हाँ बेटर एबिल के जगह पे टास्क मास्टर ले लिया है। अब देखो टास्क मास्टर 40% डैमेज इंक्रीज करके देगा सुपर विलेन के खिलाफ, जबकि बेटर एबिल का लीडरशिप सिर्फ 10% ज़्यादा रहता है ओडिन से। ओडिन के पास में भी 50% लाइटिंग डैमेज का लीडरशिप है, और उसके पास में बेटर एबिल के पास में 60% है। तो सिर्फ 10% के लाइटिंग डैमेज को कंपनसेट करने के लिए मैंने टास्क मास्टर लगाया है, जो कि दे रहा है 40% डैमेज इंक्रीज टू सुपर विलेन टाइप। ठीक, अब देखना, अभी अभी आपको देखने में लगेगा कि भाई ये टीम तो बढ़िया है, मतलब पहले वाले से तो ये बेटर टीम है, सही है। अगर आप देखो नॉर्मली, अगर आप टीम अप के हिसाब से देखो तो ये वाला टीम पिछले वाले टीम के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़िया है, लेकिन अभी देखना आप इसका डैमेज देखना और ये कितना टाइम लेता है। हाँ पिछले वाले में मैंने 20 बार पे जाके रोक दिया था, 20 बार तक ही मैंने खेला था, तो इस वाले में भी हम 20 बार खेलेंगे, और अभी देखो आप 20 बार में जाने के लिए कितना टाइम लेता है। तो यस 24 पे आ गए हैं हम लोग, एक रोटेशन यहाँ पे हम नॉर्मल यूज़ करेंगे, उसके बाद में एक रोटेशन टीयर 4 एंड टीयर 3 के साथ में यूज़ करेंगे और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। एंड ये टीयर 3 टीयर 4 और 5 3 4, ये यस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 7 मिनट 40 सेकेंड बचा है, 7 मिनट 40 सेकेंड बचा है विथ ओडिन लीडरशिप वेलकरी एंड टास्क मास्टर, जबकि पहले जब हमने यूज किया था इसको, पहले जब हमने खेला था इसको, तो बचे थे कितना, इतना बचा था गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो 7 मिनट 40 सेकेंड। अब बताओ क्या इन्होंने ओडिन को बफ किया है या फिर इन्होंने ओडिन को नर्फ कर दिया है। मैंने बेटर टीम लगाया, मैंने बेटर सपोर्ट लगाया, फिर भी टाइम उतना ही ले रहा है। अब देखो इन्होंने खेल कहाँ पे किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने 4 स्किल में खेल कर दिया है। ये देखो लाइटिंग डैमेज 70% ऑफ एनर्जी अटैक, यहाँ पे अभी 70% कर दिया, जबकि पहले कितना था 160%, 160% था पहले, इसको घटा के सिर्फ और 70 कर दिया, सिर्फ 70, मतलब आधा कम कर दिया भाई, 50% कम कर दिया इसका 4 स्किल का डैमेज। और इसका 4 स्किल ही मेन है, क्योंकि हमें 4 स्किल पे ही प्रोक लाना है। तो भाई इन्होंने नर्फ कर दिया है, अभी ओडिन लेने का कोई मतलब नहीं है भाई, थॉर बिल्ड करो, थॉर टीयर 4 करो और मस्त इंजॉय करो, मैं तो यही बोलूंगा, डोंट बाय ओडिन जब तक ये लोग फिर से बफ नहीं कर देते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आने बाकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।